अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। आइए आज आपको दिखाते हैं कि इस साल की पहली बर्फ़बारी में रात का मंज़र कैसा है। पहली बर्फ़ है लेकिन इस मौसम की, लेकिन सही कड़ाकेदार बर्फ़ पड़ी है कि सुबह 8-9 बजे स्टार्ट हुई और अभी तक ख़त्म नहीं। वक्फे वक्फे से आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक रोड है, हमारे घर के सामने, जो कि बिल्कुल वाइट हो चुका है और दरख्त भी पौधे भी बर्फ़ से लदे हुए हैं। अगर आप लैंप को देखें तो आपको ये स्ट्रीट लैंप पोल है इसमें देखें तो बर्फ़ आपको अभी भी पड़ रही नज़र आ रही होगी। आसमान का रंग बता रहा है कि बर्फ़ अभी रुकी नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं, देखने में तो ये बहुत सब अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन उसी वक़्त जब आप सेंट्रल हीटेड रूम्स में बैठे हुए हों, लेकिन कुछ लोग मजदूरी जो करते हैं वो इस तरह के मौसम में भी उनके काम जो हैं जो 24/7 इदारे हैं वहाँ में लोगों को काम करना पड़ता है, स्पेशली वो लोग जो इन रोड्स को हर वक्त ज़िंदगी रवा दवा रखने के लिए यूज़ करते हैं, साफ़ करते रहते हैं, वो इसी मौसम में काम करते हैं, क्योंकि अभी जितनी बर्फ़ भी पड़ेगी तो रात भर ये लोग इसको साफ़ करते रहेंगे ताकि सुबह जब लोग उठें तो अपनी अपनी जॉब्स पर वो जा सकें। तो मैं अभी इस वक्त अपने घर के सामने छोटा सा प्लेटफॉर्म बना होता है वहाँ पर हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें। लोग घरों में बैठे हुए हैं मोस्टली और चाय कॉफ़ी और टीवी प्रोग्राम्स को देखकर वक्त गुजार रहे हैं। आज स्नोमैन भी बनाया, पहला दिन था तो छोटी बेटी ने बड़ी ही एक्साइटमेंट शो की और हमें खींच खांच के ले गई बैकयार्ड में और स्नोमैन भी बनाया। तो आपको अभी स्नोमैन भी दिखाता हूँ, लेकिन ये है कि आप इसको एंजॉय करें कि बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। स्नोमैन साहब इस वक्त सर्दी में बैठे हुए हैं बहुत दूर, आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ बना था लेकिन ये है कि और बर्फ़ पड़ गई इसके ऊपर, आप देख रहे हैं बर्फ़ की शिद्दत, तो बेचारा गोल मोल होके बैठा हुआ वहाँ पर। एंड ये बैकयार्ड है, आप देखें क्या हालत हो गई है, लेकिन होपफुली सुबह ज़िंदगी दोबारा रवा दवा होगी और भरपूर तरीके से सुबह का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।